नमस्कार, ईएमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आकाश सोनी और आइए नजर डाल लेते हैं छिंदवाड़ा से जुड़ी आज की प्रमुख खबरों पर। जिले की जनपद पंचायत बिछुआ में आज विकास खंड स्तरीय दीनदयाल अंत्योदय मेला संपन्न हुआ। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक रमेश दुबे ने अंत्योदय मेले की प्रासंगिकता और उसके प्रतिफल के साथ चौरे विधानसभा क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों और प्रदेश सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। जिला पंचायत उपाध्यक्ष शैलेंद्र रघुवंशी ने एकात्म मानववाद की अवधारणा को बताते हुए प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के संबंध में चर्चा की। छिंदवाड़ा जिले के सभी सरकारी कर्मचारी अपनी मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। हड़ताल पर गए कर्मचारी प्राथमिक सहकारी समितियों में पदस्थ सभी कर्मचारियों के समान वेतनमान, जिला कैडर स्थानांतरण लागू करने, कंप्यूटर ऑपरेटर्स को सेवा नियम में लेने और रिटायरमेंट की उम्र 62 साल करने, शासकीय उचित मूल्य दुकानों को समूहों में देने का निर्णय वापस लेने, समूहों में भुगतान क्षमता के मापदंड को पूर्णतः समाप्त कर कर्मचारियों को राज्य शासन के कर्मचारियों का दर्जा दिए जाने की मांग कर रहे हैं। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अधिकारी संघ के प्रांत रिपीट संविदा स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारी संघ के प्रांत व्यापी आंदोलन के अंतर्गत जिले के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। धरनास्थल पर हड़तालरत कर्मचारी आधी रोटी आधा पेट, संविदा जीवन चढ़ गया भेंट नारे लगा रहे थे। जिलाध्यक्ष ने बताया कि शासन ने संविदा कर्मचारियों के लिए केवल आधे पेट की ही व्यवस्था की है। संविदा प्रथा एक प्रकार की कुरीति है, शासन को जल्द इस कुरीति को दूर करना चाहिए। सेवाओं के नियमितीकरण और अप्रेजल नीति के तहत पिछले वर्षों में हटाए गए साथियों की पुनः बहाली की मांग को लेकर किया जा रहा है। 24 फरवरी को जिन कर्मचारियों को उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र दिए गए उन्हें शासन को वापस लौटाया जाएगा। गुलाबी गैंग मध्य प्रदेश की कमांडर पूर्णिमा वर्मा ने छिंदवाड़ा शहर में हस्ताक्षर अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने शहर के अंदर संचालित सभी शराब दुकानों को शहर के बाहर संचालित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि शराबबंदी को लेकर 3 अप्रैल से प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभियान के अंतर्गत 3000 से ज्यादा हस्ताक्षर किए गए। छिंदवाड़ा से 35 किलोमीटर दूर जुन्नारदेव थाना अंतर्गत बीते 2 माह में घटित लूट और डकैती सहित चोरी की 3 बड़ी वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह का पुलिस ने शुक्रवार को भंडाफोड़ कर दिया। पिछले दिसंबर में नवेगांव थाना अंतर्गत भतोड़िया में 71,500 रुपए की लूट और 5 दिन पहले 18 फरवरी को घातक हथियारों की नोक पर ग्राम बाकुल में की गई डकैती के 4 कुख्यात आरोपियों को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। जुन्नारदेव थाने में पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। पुलिस ने जुन्नारदेव थाना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मामले का बड़ा खुलासा करते हुए फरियादी अनिल यदुवंशी के 9 वर्षीय पुत्र से मिले साक्ष्य के आधार पर इन घटनाओं का पर्दाफाश कर दिया। इन घटनाओं में पुलिस को बड़ी सफलता दिलाने वाले 9 वर्षीय अजय यदुवंशी को पुलिस के द्वारा 5,000 रुपए की नगद राशि प्रदान की गई। साथ ही साहसी बालक की उच्च शिक्षा के लिए स्थानीय ज्ञान सागर पब्लिक स्कूल प्रबंधन के द्वारा अपनी फीस में 50% की रियायती दर पर अध्ययन सुविधा देने की घोषणा भी कर दी गई। एमपीपीएससी 2018 की प्रारंभिक परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर अब शहर के युवा भी लामबंद हो गए हैं। इस संबंध में युवाओं ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी दिया है। गौरतलब है कि राज्य के प्रशासनिक सेवाओं के चयन के लिए उत्तरदायी संस्था मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 18 फरवरी को राज्य सेवा और वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा संपादित की गई थी। इसकी मॉडल आंसर शीट आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर 21 फरवरी को अभ्यर्थी के लिए उपलब्ध कराई गई। इस मॉडल आंसर शीट में कई त्रुटियां हैं। इस मॉडल आंसर शीट में 15 प्रश्न के उत्तर गलत हैं और 2 प्रश्नों के तो सही उत्तर चॉइस में ही नहीं दिए गए हैं। आयोग ने जो परीक्षाएं आयोजित की 4 दिन बाद उनकी आंसर शीट जारी की, जिसमें 15 के करीब सवाल के उत्तर गलत पाए गए। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एमएस टीवी। नमस्कार।